Hello everybody. So it's that time of the week once again when we all get together to cook it up with Tarla Dalal. Pichle hafte humne ye silsila jo shuru kiya tha 10 minutes cooking ka, wahi silsila hum is hafte bhi jari rakhenge. Yani ki jhat pakana aur pat khana. Aur is jet setting age mein khana bhi to jet setting speed se hi banna chahiye na. Warna kise time hai khana pakane ka aur khane ka. But thanks to Tarla ji, aaj unki wajah se hum log apne busy schedules ke bawajood bhi khana bana sakte hain, kha sakte hain aur use enjoy kar sakte hain. So let's welcome the one and only Tarla Dalal. Aaiye Tarla ji. Namaste Tarla ji. Namaste. अब आप पूछेंगे कि मैंने कुछ सीखा कि नहीं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जो रेसिपीज पिछली बार बताई थी वो मैंने घर जाकर खुद ट्राई करी और अच्छी बात तो ये कि मेरे दोस्त मुझसे बहुत खुश हो गए. तो तला जी आज आप हमको क्या सिखाने वाले हैं? देसी खाना. देसी खाना यानी देसी खाना इन 10 मिनट्स, राइट? सो तला जी इज गोना गिव फास्ट फूड अ न्यू डेफिनेशन. फूड दैट कैन बी कुक्ड सो फास्ट कि सिर्फ मैं ही नहीं आप भी इन इजी रेसिपीज का मजा आसानी से ले सकते हैं. तो तरला जी आज आप हमें क्या बताने वाली? आज पहले शुरुआत करेंगे ढोकले से. ढोकला, हाय हाय हाय, ढोकला तो आई लव ढोकला, क्योंकि मैं अक्सर अपने लोकल हलवाई की दुकान से मंगा के ढोकला खाता रहता हूँ. बहुत भूख लगती है तो मंगा लेता हूँ. लेकिन एक मिनट, आप कहीं मेरा अप्रैल फूल तो नहीं बना रही? नहीं, क्यों अप्रैल फूल करो? नहीं, क्योंकि हमारे शो की थीम जो है वो 10 मिनट्स कुकिंग है ना, और ढोकला बनाने में तो सालों लग जाते हैं. ऐसा नहीं, अभी हम ढोकला बनाएंगे और तू खाएगा. चलिए देखते हैं, फिर शुरू करें. चलो, ये ढोकला ऐसी चीज है जो बनाना इतना आसान नहीं है. इस डिफिकल्ट ढोकला को आज हम एकदम आसान बना देंगे. क्या बात है, तो आज इसी हाथ लगे हाथ मैं भी आप लोगों के साथ सीख लेता हूँ ढोकला बनाना. ओके, चलो सभी स्टार्ट नाउ. यस डेफिनेटली. ओके, सो ये ढोकले है ना, हम लोग जरा थोड़ा अलग प्रकार से बना रहे. ये है ग्रीन पीस. अच्छा. अदरक मिर्ची, हरी मिर्च, अदरक और ये थोड़ा सा हरा कलर, ये तीनों चीज को पीसने का. और ये जब मिक्सर तैयार हो गया तब अपना ढोकला बनाना अभी एकदम. अच्छा, इसमें तरला जी कलर डालना जरूरी है या हम लोग बिना कलर के भी बना सकते हैं? बिना कलर से आराम से बनेगा. अच्छा. जरा देखने में सुंदर लगता है. सो ये लिया हमने आधा कप. क्या लिया? चने का आटा. और चने का आटा के अंदर हम डालेंगे ग्रीन पीस, बराबर. फिर हम डालेंगे अंदर ये है नींबू का सक. अच्छा, ये क्या चीज होती है? ये क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड. ओके ओके. दिस इज रवा, क्या बोलते हैं आप लोग, सेमोलिना. और ये डाल देंगे शक्कर. फिर हम डालेंगे नमक. अच्छा, खट्टे मीठे के साथ इसमें नमक भी? नमक है, आ गया. तीखा तो है. क्या बात है. तो नाउ अभी हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा पानी. पानी डाल के उसका मिश्रण तैयार करेंगे. पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ढोकले में पानी कम होता है तो ढोकला फूलता नहीं. अभी हम लास्ट में क्या डालेंगे, कोई भी फ्रूट सॉल्ट डालेंगे. कोई पन फ्रूट सॉल्ट क्यों डालते हैं कि उसको जा लिया जाते. बस अब ये झांका चालू हो गया, अपना ढोकला मिक्सचर इज रेडी. ओके, आसान है ना बनाना? इतना झाग. बस एक चीज डालना भूल गई, वो थी हींग. ढोकले में हींग तो चाहिए. बस अभी ये बन गया अपना ढोकला. जी. और वो थाली दे दे मुझे प्लीज. जी. उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे. अच्छा, अभी हम ये इसके ऊपर फैला देंगे तो बस ढोकला इसी के ऊपर बन के तैयार हो जाएगा. हाँ, बन हो जाए. पर ढोकले के बाद में एक याद रखनी चाहिए कि जब हम ढोकला बनाते हैं ना, जितना पतला है इतना जल्दी होएगा, जितना जाड़ा इतना ज्यादा टाइम. यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो बहुत पतला रखिए, और अगर 3-4 घंटे बाद भूख लगने वाली है तो उसको थोड़ा सा गाढ़ा रख सकते हैं. हाँ, अभी इसके अंदर डाल दे जरा. ओके, नीचे डालो. सी आई कैन डू ऑल दिस. अब मैं इसको इसके अंदर डालूं? ओके, थैंक यू थैंक यू. माय गॉड, आई डोंट बिलीव मायसेल्फ आई कैन डू ऑल दिस. इसको भी मैं ही बंद करता हूं. बंद, बाद में खाऊंगा, मेहनत की कमाई खाता हूं. बस अभी ये अपना 5-7 मिनट में अपने ढोकले तैयार. अभी आपको ग्रीन पीस नहीं डालने का होगा. हाँ, हरा तो आपका पीला ढोकला बन जाएगा. सुधांशु, ये ढोकले तैयार हो गए. क्या बात है. हाँ, 6 मिनट लगेगी बस, 6 से 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा. ये नैपकिन ले और धीरे से निकाल. जी. थोड़ी सी प्रैक्टिस दे रहे हो तेरे को खाना पकाने की. नहीं, अच्छा है, मुझे जरूरत भी है. बस संभाल के निकालो. अच्छा, देखो कितना बढ़िया कलर आया है ना.
तो अभी हम पहले चौंक देंगे। एक कढ़ाई है, इसको पहले मैं गैस ऑन कर दूं। ये लीजिए, अभी ये तेल अंदर गरम करने को जी। और तेल के अंदर डालेंगे हम, मालूम है ना तेल? तिल। ये है क्या बोलते, ये सरसों। ये देखिए, ढोकले की चौंक देने में बहुत समझदारी चाहिए। वो एक समझदारी है कि जब हम बनाते हैं ना ढोकला, उसको पानी पिलाना चाहिए। पर पानी पिला के क्या होएगा, वो ऐसा ऐसा फूल जाए क्या अंदर पी के, वो सॉफ्ट हो जाएगा और ढोकला खाने में मजा आएगा। सॉफ्ट भी हो जाता है, जूसी भी हो जाता है। हाँ, और जब आप खाओगे सीधा नीचे उतर जाएगा, नहीं तो यहाँ पानी नहीं दोगे तो यहाँ गले में अटक जाएगा। तो पानी पिलाना उसको बहुत जरूरी है। अगर इसको पानी नहीं पिलाएंगे तो आपको पानी पीना पड़ेगा खाने के बाद। तो आप इतना फील ख्याल रखिए कि अपने को जब चौक चौक को ठंडा होने दीजिए, थोड़ा पानी देंगे और वही उसके ऊपर डाल दें। ओके, आप लोग सब समझ गए ना? आपको लगता है कि आप ढोकला बना सकोगे? बस अब ये बंद कर दो। अब ये बंद कर दूं? हाँ जी। ओके, अभी अपना चौक तैयार हो गया। अभी हम मैं खाली अंदर क्या डाल रही हूँ, हींग पिसी हुई हींग डाल रही हूँ, और फिर बाद में हरी मिर्च और पानी थोड़ा सा। सुधांशु जी, अभी ये जरा ठंडा हो गया ना जी, तभी हम डालेंगे हरी मिर्च। और तू जरा बाजू हट प्लीज, अभी डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, पर एकदम धीरे धीरे डाल देगा, नहीं कि वो अपने उड़ने लगेगा। देख लिया आपने कैसे पानी धीरे से डाला? अब ये हो गया अपना चौंक। अभी ये चौंक को अच्छी तरह से हिला के क्या करेंगे, अच्छी तरह से हिला के इसके ऊपर हम डाल देंगे। समझ गए ना आप लोग? अच्छा, इतना सिंपल है? इतना मतलब सिंपल है, डालना है। पर ये काळजी रखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या होएगा, आपका पानी आपके ऊपर आएगा और आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या करना है वो टाइम। ये देखिए, अभी मैं ढोकले काट रही हूँ, कितने बन गए देखिए, एक थाली में से भी कितने बन गए, कितने बन गए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैडम, ये ढोकले का बर्तन सबके घर में तो नहीं हो सकता है ना? हाँ जी, हमारे घर में भी नहीं है, तो हम कैसे ढोकला बनाएंगे? ये ढोकला बनाना बहुत आसान है, ये बर्तन तो अभी बाजार में मिलने लगे। पहले हम लोग क्या करते गुजराती घरों में, एक एक बड़ा बर्तन लेने का, जिसको हम पतीला बोलते हैं, वो लेने का, उसके अंदर आधा से कम पानी भरने का, कितना, आधा से भी कम, पूरा भरने का, आधा से कम पानी भरने का, और अंदर कोई भी एक छोटा सा बर्तन ऐसा डाल देने का, खाली ऊपर ढक्कन देंगे और वजन देने का, उसके ऊपर जरा कुछ भी वजनदार चीज रखिए तो स्टीम एस्केप ना हो जाए। थैंक यू। यानी कि आपके पास ऐसा बर्तन हो ना हो, आप ढोकला बना सकते हैं। क्विक ग्रीन पीस ढोकला के इंग्रेडिएंट्स हैं: बेसन आधा कप, रवा 2 छोटे चम्मच, सिट्रिक एसिड 1/4 छोटा चम्मच, चीनी 1 छोटा चम्मच, फ्रूट सॉल्ट 3/4 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार 1/4 कप, मटर हरी मिर्च 2 बूंद हरा रंग, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1/4 छोटा चम्मच सरसों, 1/4 छोटा चम्मच तिल, चुटकी भर हींग, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच कसा हुआ नारियल। सबसे पहले मटर और हरी मिर्च में थोड़ा हरा रंग डालकर एक पेस्ट बना लें। एक बोल में बेसन लेकर उसमें इस पेस्ट को मिलाएं। अब इसमें 1/4 चम्मच नींबू का सत, 2 छोटा चम्मच रवा, 1 छोटा चम्मच चीनी और स्वाद अनुसार नमक डालें। पानी डालकर इन सब चीजों को घोल लें। अब इस घोल में 3/4 चम्मच फ्रूट सॉल्ट डालें और अच्छी तरह फेंटें। एक थाली में तेल डालकर ग्रीस कर लें और इस बैटर को उसमें फैला दें। इस थाली को अब एक ढोकला मेकर में 7-8 मिनट तक स्टीम करें। छौंक के लिए 1 कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करें। गरम होने पर उसमें तिल, राई और हींग का छौंक दें। तेल को थोड़ा ठंडा होने दें और उसमें कटी हुई हरी मिर्च डालें। धीरे से उसमें फिर पानी डालें। इस छौंक को ढोकले के ऊपर फैला दें।
छोटे टुकड़े करके सर्व करें। ढोकला तैयार है। तला जी, अब मुझसे वेट नहीं किया जा रहा है। चल चल चल, तू खा अभी। चल, I'm चल, turning चल, green. अभी खा। With hunger. बहुत अच्छा है। अभी तक भी ढोकले खा रहा है। बहुत मजा आया और बहुत भूख लगी थी। अच्छा, मैं तो तेरे लिए खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। ये क्या कर रहा है तू नाटक? मेरी तो तबीयत ठीक है, आप खिचड़ी क्यों खिलाना चाहते हो मेरे को? एक खिचड़ी नहीं है, तू देख तो सही, एक खाएगा तो बड़े से बढ़िया पुलाव भी तू भूल जाएगा। थोड़ा सा घी डाल दे। गैस चालू कर दिया? गैस चालू करता हूँ। थोड़ा सा घी डाल, और घी डाल के बाद इसमें से क्वार्टर चम्मच हींग डाल दे। क्या डालेगा? क्वार्टर चम्मच हींग। हींग, हाँ। ओके। ठे, जल्दी मत कर। अभी ये मसाला तैयार कर रही हूँ। ये है कसा हुआ नारियल। मैंने हींग डाल दी। हींग डाल दी? हाँ। होने दो, होने दो। चलेगा? ये है क्या है? हरा धनिया। और ये है धना जीरा पाउडर। और ये है लाल मिर्च। और ये है शक्कर। और थोड़ी सी क्या डालेंगे हम? हल्दी। क्या डालेंगे? हल्दी। ये अपना हो गया मसाला तैयार। तो अब सब ये सब चीज़ें हम मिक्स करके अंदर किसके अंदर डाल देंगे? कुकर। ये अपनी खिचड़ी का सामान हो गया तैयार। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। and अभी तो चख के बोलना मुझे। तू चख के बोलना कितना बढ़िया है, और फिर तेरा बुखार बिखार सब निकल जाएगा बाहर। और अब डालेंगे क्या? अपना मैजिक हॉट वाटर। हमेशा गर्म पानी तैयार रखना। क्या रखना? गर्म पानी तैयार रखना। गर्म पानी तैयार रखना। और ये आप लोगों को मालूम है, सब लोगों को, ये हम खाली दो जने के लिए खाना पका रहे हैं, तो इसलिए आपको इतना कम दिख रहा है। और ये अपना गर्म पानी, दो जनों के लिए बनता है और खाता सिर्फ मैं हूँ। तो ये अपना गर्म पानी डाल दिया। और अच्छा, ये प्रिपरेशन पूरा हो गया? हो गया। मैंने नमक डाला ना? नहीं डाला? हाँ, तो आपको मुझे याद कराना चाहिए। नमक भूल गए कभी कभी? नहीं याद कराएंगे तो आप लोगों को खिलाऊंगा मैं। नमक बस। अब इसको कुकर को बंद करूं मैं? That's right. And अभी आपकी खिचड़ी इन वन विसल बी रेडी। कितनी? एक विसल। और एक विसल आने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये गर्म पानी डाला है। तो बस हो गई अपनी खिचड़ी तैयार। बस एक मिनट, विसल आ रही है ना अभी? अरे वाकई में, इसमें तो सीटी बजनी शुरू भी हो गई। हाँ, बस and it's hardly 2-3 minutes. 3 minutes exactly. कमाल है तल्ला, वही तो मैं बात बोल रही हूँ। जादू नहीं, क्या मेरे हाथ में जादू नहीं है, उसका कायदा से हम काम कर रहे हैं। क्या बात है। हाँ। अब मैं इस गैस को बंद कर सकता हूँ? बस अभी बंद कर देना, और उसे 10-15 मिनट ठंडा होना दे। मूंग स्प्राउट्स खिचड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप बासमती चावल, आधा कप स्प्राउटेड मूंग, दो चुटकी हींग, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच घी, दो चम्मच धनिया जीरा पाउडर, एक चम्मच चीनी, आधा चम्मच लाल मिर्च, एक बड़ा चम्मच कसा हुआ नारियल, दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नमक स्वाद अनुसार। एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा घी डालें और गरम होने दें। एक बोल में कसा हुआ फ्रेश नारियल और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लें। अब उसमें धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च और चीनी और हींग डालें। आधा कप भिगोए हुए चावल को भी इसमें डाल दें। उतनी ही मात्रा में स्प्राउट्स मूंग ऐड करें और अच्छी तरह से मिला दें। अब इस मिक्सचर को कुकर में डाल दें, गरम पानी भी डाल दें, स्वाद अनुसार नमक डालकर एक विसल आने तक खिचड़ी को पकने दें। गरम गरम मूंग स्प्राउट्स खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। कैसी लगी खिचड़ी? तल्ला जी, इट्स माइंड ब्लोइंग। इट इज टू डिलीशियस। अगर आप लोगों को कुछ इनसे पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज इस खिचड़ी के बारे में, बिकॉज़ इट्स टू गुड। बोलिए बोलिए, आपको क्या खिचड़ी में स्प्राउटेड मूंग ही क्यों डालते हैं? अगर ऐसे ही मूंग डाले तो क्या उसकी टेस्ट कम हो जाती है? नंबर वन, आप कोई भी स्प्राउटेड डाल सकते हैं, मटकी डाल सकते हैं, और कोई भी जो आपके घर पे होगा वो भी डाल सकते हैं। और आपको घर पे तैयार नहीं होगा तो आप मूंग को भिगा के रखिए,
और 4-5 घंटा भिगाना जरूरी नहीं, तो क्या होएगा खिचड़ी अलग अलग नहीं दिखेगी, वो खाने में मजा नहीं। थैंक यू तरला जी। यूर वेलकम। तरला जी वाकई में खिचड़ी बहुत ज्यादा टेस्टी है, और टेस्टी ही नहीं बल्कि ये बहुत हेल्दी भी है। हम इसे किसी के साथ भी मिक्स करके खा सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी अगर आप बीमार हो या ना हो ये हर हालत में आपके लिए अच्छी है, बहुत टेस्टी है वाकई में। अभी हम बनाएंगे मिठाई। मिठाई, ओह माय गॉड आई लव मिठाई, यू नो दैट। पर ये है देसी मिठाई। ऑल द मोर गुड फॉर मी, बट देसी मिठाई अगेन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। नो नो, पहले आप मेरे को मिठाई का नाम बताओ। मिठाई का नाम है केसरी। केसरी, डजंट दैट साउंड फैमिलियर? केसरिया है रूप तारो चमचम आए। अच्छा केसरी, ओके तो ये केसरी मिठाई जो है इसकी हम शुरुआत कैसे करें, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बताइए। तू देख, पहला मैंने 3 कप दूध गरम रखा। क्या रखा? 3 कप गरम दूध डाला है। बस गरम दूध है। ओके अभी एक दूध का हम है ना क्या बना रहे, मैं आप सब लोगों को समझा रही हूँ। छेना बना रहे। क्या बना रहे हम लोग? छेना। छेना बनाने में बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत ख्याल रखना चाहिए, बेसिकली बहुत केयरफुली करना चाहिए। हाँ, क्योंकि नहीं तो कभी कभी छेना क्या एकदम यू नो चूरा चूरा हो जाता है। हाँ चूरा चूरा। ये पुडिंग के लिए कैसे बनाना वो मैं आपको सिखाऊंगी। ये अपने दूध गर्म रखा है, देखिए अपना दूध गर्म हो रहा है कि नहीं। जब ये हम केसरी बनाते हैं ना तो उसके अंदर होल मिल्क चाहिए। कौन सा चाहिए? होल मिल्क। ये न टोन मिल्क से बनेगा न पाउडर मिल्क। अच्छा ये होल मिल्क टर्म मुझे समझ नहीं आया। होल मिल्क मींस फुल फैट मिल्क। फुल फैट मिल्क, दैट्स राइट। ओके हां, उसके बजाय ये पुडिंग नहीं बनेगा। ये भी देखो दूध गर्म हो गया ना जी। हां तभी ये दूध जब गर्म हो गया तब उसका हम क्या कर देंगे, गैस बंद कर दूं? बंद कर दो जी। ये बंद कर दे और उसे थोड़ा ठंडा होने दे। क्या करेंगे? थोड़ा ठंडा। ठंडा हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी जो बाफ निकल जाएगी उसको दूध के अंदर जब साइट्रिक एसिड हम डालेंगे और नींबू का जूस कुछ से भी आप फाड़ सकते हो तो उसको शॉक कम लगेगा। क्या? दूध को शॉक कम लगेगा। तो जब शॉक कम लगेगा तो एकदम बढ़िया पनीर बनेगा। अच्छा यानी कि शॉक कम लगने की वजह ताकि वो ज्यादा सॉफ्ट रहे, चूरा चूरा ना। हाँ चूरा चूरा ना, यही सबसे बढ़िया बात। फिर आपका केसरी बन गया, उसमें और कोई चीज नहीं है। तो अभी ये दूध है ना उसको हमने क्या ठंडा किया ना। आप जरा जल्दी में हो जाए थोड़ा सा अंदर ठंडा पानी भी डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? पानी। तो दूध जल्दी ठंडा हो गया। ओके तब ये हो गया अपना दूध। और फिर अभी नींबू का सत आप सब लोग को मालूम है ना, नींबू का सत। जी नींबू का सत आप साइट्रिक एसिड आपने देखा था। और उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी क्योंकि वो पिघल जाए। थोड़ा और इसको अच्छी तरह हला के हम ये दूध को हम क्या करेंगे उबालेंगे। ये पुडिंग ये केसरी बनाने के लिए बाहर का पनीर नहीं चलेगा और 2 दिन पुराना भी पनीर घर का भी नहीं चलेगा। ये छेना बनाना पनीर जो बनाना है जो बोल रहे हो वो एकदम ताज़ा बनाना हुआ चाहिए। कैसा? अभी बनाया हुआ अभी पुडिंग बनेगा तो ही वो इतना सॉफ्ट बनेगा, नहीं तो ये सॉफ्ट बनने वाला नहीं है। जी हाँ, क्योंकि रखा हुआ पनीर जो होता है वो हाँ, वो फिर कड़क हो जाएगा। तो अभी धीरे 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 अंदर। और याद रखिएगा इसकी सॉफ्टनेस के लिए दूध को पहले ठंडा कीजिए, उसके बाद उसमें साइट्रिक एसिड मिलाना है। वो सबसे बड़ी बात है। थोड़ा साइट्रिक एसिड ज्यादा लगता है क्योंकि हमने ठंडा कर दिया तो थोड़ा साइट्रिक एसिड ज्यादा लगेगा। देखा तुमने पानी ऊपर आ गया, पानी अलग दिखाई दे रहा है? पानी अलग दिखाई दे रहा है बिल्कुल। पानी तो अपना छेना तैयार हो। अभी हम इसको पनीर को हम लोग क्या करेंगे छान लेंगे। छानेंगे? क्या मैं आपकी हेल्प करूं? हाँ ओके मैं ओके। क्या बात है? उसका थोड़ा पानी निकाल देंगे। क्या करेंगे? दिस इज मैजिक। पानी निकाल दिया। अभी आपने देख लिया ये, चलो अभी अपना छेना हो गया, देखा आपने? तो अभी मैं इसको ये बाउल में डाल देता हूँ। इसको पूरा पानी नहीं निचोड़ने का। क्या? पूरा पानी नहीं निचोड़ने का, थोड़ा पानी रहने दीजिएगा पनीर। अभी हाँ ये बन गया। अंदर डालेंगे थोड़ा सा दूध। कितना डालेंगे? 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ज्यादा ज्यादा। और ये है क्या अपना केसर। इसका रंग तो केसरी हो गया। क्या बात, आज तक मैंने सिर्फ गाना ही सुना था, आज देख भी लिया। केसरिया है रूप धारो, क्या बात, माइंड ब्लोइंग। अभी हम क्या डालेंगे?
शक्कर। पर एक बात मैं बताना भूल गई, शक्कर जो डायबिटिक लोग तो नहीं खा सकते, तो इनके लिए हम लोग क्या डालेंगे? शुगर फ्री। दैट्स राइट, करेक्ट। उसके 2-3 पैकेट डाल के देखिए कैसा बनता है क्या नहीं। हाँ, देख लीजिए मैं कितना डाला है। ये आपने 3 चम्मच डाल दिया। 3 डाला जी। ओके, तो हम डालेंगे 5 चम्मच। तो जो लोग डायबिटिक हैं उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग भी ये खा सकते हैं, प्रोवाइडेड दे पुट शुगर फ्री। अब ये मिश्रण को हम कैसे करेंगे? मिक्सी में जी डाल देंगे। सुधांशु कितना तो काम कर सकेगा तो? हाँ, मैं बिल्कुल करूंगा। मैंने ये मिक्सी चलाना जो है पहले से ही सीख लिया। और मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, एक बात बताऊं, किसी को, छोटे बच्चे लोग होते हैं ना, उसको केसर का स्वाद नहीं अच्छा लगता। इन लोगों को केसर का स्वाद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक क्या केसरी 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 आइसक्रीम भी दोगे तो नहीं खाएंगे, चॉकलेट आइसक्रीम देंगे तो खाएंगे, राइट, स्ट्रॉबेरी दिया तो खाएंगे। तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, ये जब हम मिक्सी में डालेंगे, केसर नहीं डालेंगे, मिक्सी में डालेंगे, निकालने के बाद अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज, अभी सीजन में आ गई स्ट्रॉबेरीज, तो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज का हाथ से उसको ऐसे ऐसे मैश करके थोड़ी शक्कर मिला के अंदर डाल दीजिए। कितनी देर चलाना करना जी? 1 मिनट और हाफ अ मिनट और सही देना। हो गया? Oops. My goodness. बढ़िया हो गया ना? This is magic. सुंदर दिखता है। अभी और एक बात बताती हूँ आप लोगों को, लास्ट बात, केसर नहीं डालेंगे, थोड़ा ज्यादा दूध डालेंगे, वो क्रीम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्रीम। एंड दैट क्रीम इज गुड फॉर पीपल जिसको क्रीम खाना मना है, स्ट्रॉबेरीज खाने की होगी, केरी खाने को, उसके आप साथ आपको क्रीम खाना बना, तो पर्सन हु इज सफरिंग यू नो फ्रॉम ब्लड प्रेशर और यू नो दे आर नॉट अलाउड क्रीम, पर ये ऐसी क्रीम चलेगी। ये किसकी क्रीम है? ये पनीर की क्रीम है, तो पनीर की क्रीम चल सकती है, तो इसका बहुत उपयोग हो सकता है। सो बेसिकली वंस अगेन तरला जी हैज टोल्ड अस समथिंग व्हिच एवरीबॉडी कैन ईट एंड हैव विद नो फियर, राइट। अभी मैंने इलायची और जायफल का पाउडर डाल दिया, आपको जो जमेगा वो, और ये हला के अभी बस 2 डब्बे में डाल दे, एक 2 में भर दे, और ऊपर से बादाम पिसा डाल दे। 2-3 घंटा लगेगा, कितना? 2-3 घंटा लगेगा सेट होने के, बस फिर अपना पुडिंग तैयार, केसरी तैयार। केसरी के लिए आपको चाहिए 3 कप फुल फैट मिल्क, 1/4 छोटा चम्मच सिट्रिक एसिड, 5-6 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 चुटकी इलायची पाउडर, केसर, 1 चुटकी जायफल पाउडर। 3 कप फुल फैट मिल्क को एक पैन में अच्छी तरह बॉईल कर लें और ठंडा होने दें। ठंडा करने के लिए थोड़ा सा पानी मिलाएं। 1 कटोरी में सिट्रिक एसिड घोल लें और उससे दूध को फाड़ लें। इस फटे हुए दूध से पानी अलग कर लें। पनीर को एक बोल में निकालें, थोड़ा सा दूध डालकर पनीर को सॉफ्ट कर लें। अब इसमें भिगा हुआ केसर डालें, 5 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डालकर मिला लें। अब इस मिश्रण को ब्लेंडर में डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें। पेस्ट बन जाने पर उसमें पिसी हुई इलायची और जायफल का पाउडर डालें। बोल्स में डालकर फ्रिज में सेट होने दें। पिस्ता और बादाम से गार्निश करें। कैसा लगा? तरला जी आप तो वाकई में गुरु हैं, बहुत कमाल का है। सो फ्रेंड्स हियर यू सी, तरला जी ने आज फिर से एक बार कमाल कर दिखाया। मैं तो 10 मिनट में नाश्ते के बारे में नहीं सोच सकता था, इन्होंने तो ढोकला खिचड़ी और केसरी बना डाला। चलिए हम भी कभी ऐसे माहिर हो जाएंगे। यू कुड बी इन आवर नेक्स्ट शो हेल्पिंग तरला जी आउट, सो वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक टू ऑफ कोर्स कुक इट अप विद तरला दलाल। सो हैव फन टिल देन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.